हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एम ओपिनियन। फ्रेंड्स, ये मेरा फिल्मोरा 12 वीडियो एडिटिंग के ऊपर थर्ड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं वीडियोस बैकग्राउंड रिमूव बिना ग्रीन स्क्रीन के। मतलब अगर आप विदाउट ग्रीन स्क्रीन अपने वीडियो को शूट किए हो तो भी आप कैसे अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके कोई भी अलग बैकग्राउंड वहां पर ऐड कर सकते हो। और नंबर टू, जो हमें थंबनेल के लिए हर वक्त चाहिए वो है इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। और फोटोज का बैकग्राउंड रिमूव करते हुए वहां पर भी अलग कोई भी इमेज कैसे ऐड करते हैं, ये भी सीखने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं मेरे पीसी स्क्रीन पर। उस वक्त तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, किसी भी फोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे कुछ वीडियो फोटोज़ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए, सारे फुटेजेस मैंने इंपोर्ट कर ली। यहाँ पर एक सबसे पहले वीडियो को ऐड कर लेते हैं। वीडियो पर क्लिक करना है। आप दोनों जगह से ये काम कर सकते हो। यहाँ पर ये जो साइन दिख रहे हो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएंगे, क्रोमा की, AI पोर्ट्रेट और स्मार्ट कटआउट। यहां से आप कर सकते हो AI पैट्रियट। अगर मैं अभी के अभी यहां पर क्लिक कर दूं, देखिए मेरे वीडियो के बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं। अभी यहां पर ऑन करते हैं, देखिए। तो यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ये आप पर देखिए, साइड में आप दिख रहे हो कुछ ऐसे शैडो वगैरह आ रहे हैं। बिना ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए अगर आप बैकग्राउंड को रिमूव करोगे तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको यहां पर दिखने को मिलेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हो, गेमर इस तरह के फीचर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लो उसको कोई भी यहां पर गेम मेन स्क्रीन पर प्ले करके दिखाना है और उनको कोने में छोटा सा दिखाना है सिर्फ कॉमेंट्री करते हुए, तो ये फीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से आपको शैडो दिखने को मिल सकता है। लेकिन आप इसे भी थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो यहाँ से गया हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसे मैं फिर से पहले की तरह कर लेता हूँ, ओके। और सेकेंड, जहाँ से आप जा सकते हो, आप वीडियो पर क्लिक करना। यहाँ पर देखिए AI टूल, इस AI टूल के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखिए कोमा की, अगर आप अपने पीछे ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किए हो तो कोमा की को ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएंगे। अभी देखिए सिर्फ ये AI पोर्ट्रेट, यहाँ से आप अपने पूरे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, जो मैंने पहले दिखा दिया। फिर से मैं दिखा देता हूँ, देखिए ऑन गायब, एक सेकेंड भी नहीं लगा, बूम। लेकिन यहाँ पर इस तरह से थोड़ा बहुत शैडो दिखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर बहुत कुछ आप एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि इस एज को आप घटा बढ़ा सकते हो इस तरह से, देखिए ऐसे ऐसे। तो ये एडजस्ट है, फिर भी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप थोड़ा बहुत ऐसे शैडो वगैरह ऐसे घटा बढ़ा सकते हो, देखिए कुछ फर्क दिख रहा है इस तरह से, देखिए ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इससे थोड़ा बहुत फर्क आपको दिखने को मिल सकता है, एक्यूरेट आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग बड़ा चढ़ा के कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो यहाँ पर ये फिल्मोरा 12 का पोर्ट्रेट जो मूड है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं करते हैं, नहीं तो इसी तरह से प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएंगे, ओके। इसे ही आप चाहो तो छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरह से। मान लो आपको इसे यहाँ से ऐसे छोटा कर लेना है, इसके पीछे आपको कोई भी ऐसे, मान लो मैं, चलिए फिल्मोरा से ही एक टॉग मीडिया से फुटेज ले लेते हैं। मान लो चलिए इस फुटेज को डाल लेते हैं, इसे थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं। अभी देखिए ऐसे दिखेंगे, इसे और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये काम गेमर्स कर सकते हो, यहाँ पर गेम प्ले होंगे, आप यहाँ से कमेंट्री कर सकते हो। लेकिन ग्रीन स्क्रीन पीछे नहीं रहेंगे, आप कोमा की का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको ऐसे थोड़ा बहुत शैडो दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे फिल्मोरा 12 के ये AI पोर्ट्रेट मोड पर, ओके। ऐसे आप पूरे वीडियो के पीछे भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड ऐसे, ओके, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो।
लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ग्रीन स्किन का इस्तेमाल करोगे तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर और एक वीडियो ले लेता हूँ, ये मेरा एक डांस इंस्टीट्यूट का वीडियो। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत ये ग्रीन स्किन है, देखिए पीछे। यहाँ पर अगर मैं कोमा की का इस्तेमाल करूँ तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये रिमूव हो गया। नीचे नीचे देखिए, और इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। देखिए इसे अगर -100 कर दोगे तो यहाँ पर देखिए आपको लगेगा कि ये फ्लोर पर बैठा हुआ है। तो कोमा की का इस्तेमाल आप अगर कर सकते हो, ग्रीन स्किन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो आपको एक्यूरेसी दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको शैडो बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलेंगे। देखिए इसका ये पीछे अगर ग्रीन स्किन होता ना तो भी ये अच्छे तरह से रिमूव हो जाता और कोई भी शैडो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो इसे मैं अभी हटा देता हूँ। अभी इमेज, कोई भी इमेज मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए AI टूल कोमा की, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये नीचे का जो पोर्शन जहाँ पर ग्रीन स्किन था वहाँ पर रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड, लेकिन पीछे ब्लू स्किन है इसलिए रिमूव नहीं हुआ। इसके लिए इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, AI पैट्रियट। देखिए फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर शैडो दिखने को मिल रहा है, मतलब ये अच्छे तरह से अभी तक काम नहीं किया। अगर मैं इसे बड़ा भी छोटा भी करूँ तो देखिए नहीं हो रहा, मतलब इस टूल को अभी भी बहुत ज़्यादा काम करना है। इसको छोड़ देते हैं, और एक पिक्चर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर अभी इसे देखते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, और इसके पीछे चाहूँ तो मैं कुछ भी इसके पीछे भी बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ इस तरह से, ओके। और इसे मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि थंबनेल बनाने के लिए ये काम आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये फीचर्स मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ग्रीन स्किन का इस्तेमाल करते हुए इस फीचर को कोमा की को यहाँ से ऐड कर दोगे तो बैकग्राउंड अच्छे ढंग से रिमूव हो पाएगी, लेकिन AI पैट्रियट का इस्तेमाल करके अगर आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस तरह से शैडो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, आप पीछे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये शैडो ये नॉइज़ आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, स्मार्ट कटआउट, मोशन ट्रैकिंग, स्टेबिलाइजेशन, लेंस कलेक्शन, ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसके ऊपर भी एक एक करके बाद में मेरे वीडियो आने वाले हैं, अभी इसे बंद करते हैं, ओके क्लियर। और भी कुछ इस बैकग्राउंड रिमूव के बारे में या फिर इसके बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरी आंसर के साथ सब कुछ समझाने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय, जय हिंद।